भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बही खाता पेश करने का अंदाज बेहद खास रहा। भाषण की शुरुआत में हिंदी में उन्होंने कुछ ऐसा कहा, मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक। इस दौरान वो बीच बीच में कई बार लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित कर रही थी। स्पीकर सर द गेन्स इन ऑर्डर टू मेक। हालांकि बही खाता पेश करने के दौरान निर्मला सीतारमण ने चाणक्य नीति का सूत्र भी बताया। चाणक्य नीति सूत्र सेस कार्य पुरुषा करेन लक्ष्यम संपादयते। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने उर्दू कवि मंजूर हाशमी की कविता का भी जिक्र किया। पार्डन मी माय प्रोनाउंसिएशन, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चराग जलता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरा भाषण अंग्रेजी में दिया, लेकिन बीच बीच में वो हिंदी में भी बोलती रही। आई विश टू से दिस इन हिंदी फॉर द लार्जर ऑडियंस ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसंस। इस उद्देश्य से मैं इस गरिमामय प्रांगण से पहली बार यह घोषणा करती हूं कि हम भारत के सृजनात्मक उद्योगों को अर्थव्यवस्था से जोड़कर जहां आवश्यक है बौद्धिक संपदा अधिकारों से संरक्षित करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की मुहिम प्रारंभ करेंगे। टैक्स के बारे में बात करते हुए निर्मला सीतारमण ने तमिल में एक कहानी सुनाई। यानै पुगुंद निलम, a land into which elephant gets in. Yanai Pugunda Nilam. This was sung as an advice to the king, a Pandian king, Pandian Aruvudai Nambi. The king is Pandian Aruvudai Nambi, and Pisarandayar gives this advice to him. It's a long verse. I'm only picking up the first line. Some line, Kai Nel Aruthu Kavalang Koline. Kai Nel Aruthu Kavalang Koline. Arivudai Vendan Neriyarindu Koline. Arivudai Vendan Neriyarindu Koline. Parivu Thapa Edukkum Pindam Natchin. Parivu Thapa Edukkum Pindam Natchin. Yanai Pukka Pulam Pol. Yanai Pukka Pulam Pola. தானும் உண்ணான் உலகமும் கெடுமே. மீனிங் a few mounds of rice. इसके बाद वित्त मंत्री ने पूरी कहानी आसान भाषा में यानी अंग्रेजी में समझाई। Just a few mounds of rice from paddy that is harvested from a small piece of land. इस पूरे भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण की दूरदर्शिता और अनुभव की छाप दिखाई दे रही थी। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com